अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एगलेस कॉफ़ी मोका केक। इसको बनाने के लिए हम एक बर्तन में छन्नी रखेंगे। इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1/2 कप हम पाउडर शुगर डालेंगे, 2 टेबल स्पून कोका पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून हम कॉफ़ी डालेंगे। अब इन सभी को हम छानेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसको हम साइड करेंगे। 1/2 कप हम कंडेंस मिल्क लेंगे और 1/2 कप से थोड़ा कम ऑयल लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया, इसको हम केक के इंग्रेडिएंट में डाल देंगे और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/3 कप मिल्क डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क हम डालेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। इकट्ठा हम मिल्क नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हमें मिक्स करना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये केक का बैटर हमारा तैयार है। अब हम एक केक का मोल्ड लेंगे मीडियम साइज़ का। इसको हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर रखेंगे और तैयार किया हुआ केक का बैटर हम इसमें डालेंगे। थोड़ा टैप कर लेंगे। इसको बेक करने के लिए मैंने एक भगोना पहले ही प्री हीट कर रखा है मीडियम फ्लेम पे। इसमें हम केक रखेंगे। एक मैंने स्टैंड रखा है नीचे, उसके ऊपर हम केक रखेंगे। ऊपर से एक कपड़ा हम कवर करेंगे, ढकना लगाएंगे। इसको हम फोल्ड करने, इसको हम पकने देंगे केक को 40 मिनट। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, इसको मैंने 40 मिनट लो फ्लेम पे पकाया, बेक किया है। इसको अब हम चेक करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ। इसको हम निकालेंगे, ठंडा कर लेंगे। वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी व्हीप क्रीम तैयार करेंगे। 1 कप व्हीप क्रीम लेंगे और इसको हम थिक होने तक इसको हम बीट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये ठीक हो रही है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कोका पाउडर डालेंगे, 1/4 कप हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे, 1 टीस्पून कॉफ़ी डालेंगे। एक बार और इसको हम बीट करेंगे अच्छे से। ये तैयार हो गई है। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। केक भी हमारा ठंडा हो गया। इसको हम साइडों से कट करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। बटर पेपर को हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार है। इसको अब हम कट कर लेंगे। थोड़ा ऊपर से कट करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम हटा देंगे। अब इसमें से हम 3 भाग में केक को कट करेंगे। एक पीस और कट कर लिया मैंने। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने केक की क्रीम तैयार की है व्हीप क्रीम, इसको हम लगाएंगे ऊपर से। दूसरा केक का पीस रखेंगे, क्रीम लगा लेंगे सब और स्प्रेड करेंगे अच्छे से। तीसरा पीस भी रखेंगे, क्रीम हम लगाएंगे ऊपर साइडों पे अच्छे से हम लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। इसको मैंने फ्रिज से निकाला है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालेंगे। ये चॉकलेट गनाश मैंने थोड़ा थिक बनाया है, ये हम डाल देंगे। इसको हम सब और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अच्छे से हम फैला देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, इसको मैंने निकाला है। थोड़ा ऊपर से हम इसको फ्लावर बनाकर डेकोरेट कर लेंगे और सजाने के लिए मैंने चॉकलेट बाउल लिया है, ये डाल देंगे सभी फ्लावर पे। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए तैयार है हमारी एगलेस
कॉफ़ी मोका केक। कितना इजी इसको बनाना, बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही अलग इसका टेस्ट होता है खाने में। आप इसको इस तरह से बनाइए, बहुत ही इजी इसको बनाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।